Trojan? ओम ज्ञान देवरांदस्य ज्ञान जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं तमेव तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियाकणे श्री शिव भक्तिलेखं करनाय सर्वते नाम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव लीला पर विष्णु पाद श्री शिव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव भक्ति भजन सिद्ध गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम है। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण एवं वैष्णव वैष्णव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। भगवान बड़े ही करुणा में और भक्ति बड़े करुणा में श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर उपाख्यान आता है कि भगवान किस प्रकार से करुणा में। एक बार श्री नारायण अपना वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे, श्री लक्ष्मी जी सुंदर पान की बीड़ा बना करके उनको प्रस्तुत कर रही थी और उन्होंने उसको पाकर के बड़ा आनंद का अनुभव किया। वहां अन्य पार्षद भी थे, सुदर्शन जय विजय इत्यादि सब पार्षद उनको दंडवत प्रणाम करके चले गए। लक्ष्मी जी जब वहां से सेवा करके वहां से चली तो देखा जय और विजय बड़े ही बलशाली, बड़ी भारी भारी भुजाएं उनकी और आपस में हास्य विनोद कर रहे हैं और अपने भुजाओं को उठा उठा करके अपनी बलशाली भुजाओं को प्रदर्शन कर रहे। तो श्री लक्ष्मी जी के मन में ये भाव आया कि मेरे स्वामी तो बड़े कोमल हैं और ये जय और विजय बहुत बलशाली, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्वामी नारायण को ये कोई कष्ट पहुंचाए। ये मन में एक छोटा सा भाव आया। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री नारायण के मन में भी ये लक्ष्मी जी ने भाव जो है स्थानांतरण कर दिया। उनको जाकर के कहा जय और विजय, हमेशा अपनी भुजाओं को उठा उठा करके जैसे किसी को ललकारते हो इस तरीके से करते, लेकिन वैकुंठ में युद्ध करने का कोई भी इस प्रकार का स्थान नहीं है, ना किसी प्रकार के मलिन लोग हैं, ना किसी को इच्छा होती है वहां युद्ध करने की। भगवान के मन में भी श्री लक्ष्मी जी की बात घर कर गई और उनके इच्छा हुई कि मैं युद्ध करूं। लक्ष्मी जी को तो केवल और केवल ये भाव आया था कि मेरे स्वामी बड़े कोमल हैं और जय और विजय हमेशा भुजा उठा उठा करके जैसे मलयुद्ध करने वाला कोई हो इस तरीके से प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन यहां स्वामी नारायण के मन में आया कि बहुत दिन हुए युद्ध करने की इच्छा हुई, वीर रस का आस्वादन नहीं हो रहा है और वीर रस किस प्रकार से आस्वादन किया जाए, ये मन में इच्छा हुई। देखो भगवान की मन की बात भक्त जानते हैं और भक्त के मन की बात भगवान पूरी करते हैं और जानते हैं। भगवान अपने भक्तों को ये नहीं कह सकते करुणा के कारण कि तुम जो है ये अमुक काम कर लो, उसके लिए अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि अमुक काम किस प्रकार से होगा और भक्त उसको अंगीकार करके उस कार्य को संपादन करते हैं। ये प्रेरणा जागी चार कुमार के हृदय। चार कुमार आप लोग जानते हैं, छोटे छोटे 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, सनत सनातन सनत नंदन इस तरीके से चार कुमार हैं कि हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और ये सर्वत्र घूमते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। जैसे 5 वर्ष का बालक कहीं भी जा आ सकता है, कोई भी उसकी बात का बुरा नहीं मानता। तो ये चारों समस्त पृथ्वी लोक में आ जाते, भ्रमण करते, कहीं पर भी बैठकर एक सत्संग सुनाता और 3 सुनते, फिर दूसरा बैठकर सुनाता तो दूसरे 3 सुनते, इस तरीके से इनका सत्संग निरंतर चलता रहता। तो एक बार इनके मन में इच्छा जागी कि चलो
आज हम लोग और आगे चलते हैं तो वो सत्य लोग होते हुए आगे भगवान शंकर के लोग शिव लोग गए, वहां प्रणाम किया। उसके बाद कुछ दिन वहां रह करके फिर उनका मन में आया, चलो आज हम वैकुंठ चलते हैं और लक्ष्मी नारायण का दर्शन पा करके आते। तो ये चार कुमार वहां से चले और चार कुमार ने जब अंदर वैकुंठ में प्रवेश किया तो वहां पर ये जय और विजय द्वारपाल बन करके वहां पर विराजित थे। इन्होंने एकदम रोका, अरे बालको कहां जाते हो, अंदर हमारे ठाकुर जो है विराजमान है, अभी आराम का समय है, तुम लोग कहां जाए जा रहे हो एकदम से। तो उन्होंने कहा हमने अभी पूरे छह छह द्वार पार किए, किसी ने टोका नहीं, और तुम इतनी धृष्टता करते हो कि हमें अंदर जाने के लिए मना करते हो। अरे ये वैकुंठ में किसी के मन में कोई क्रोध नहीं है, कोई ताप नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, तुम्हारे हृदय में इतनी मलिनता क्रोध और ताप जो तुम इस वैकुंठ लायक नजर नहीं आते और तुम्हें यहाँ होने नहीं चाहिए, यहाँ वैकुंठ में हर कोई आ नहीं सकता, और जो यहाँ पर आ चुका है उसका हृदय तो शुद्ध और निर्मल है, इस बात को क्या तुम जानते नहीं हो जो तुम हमें रोकते हो, जाओ तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम्हें तो पृथ्वी लोक में जाना चाहिए और एक एक नहीं तीन तीन जन्म लेने चाहिए, वहां पर जो है जन्म लो और वहां सड़ो और मरो और फिर वापस आना। इतना सुनकर के तो भयभीत हो गए जय और विजय और उनके चरणों में लोटपोट हो गए, हाँ हमारी मति पता नहीं कहां चली गई थी, हे संतो आप तो परम ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं, और मेरी हमारी इतनी धृष्टता कि आपको रोकने का साहस किया, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। इतना संवाद सुनकर के जो भी नारायण अंदर विराजत थे उनका हृदय एकदम से पिघल गया, बाहर आकर के देखा क्या हो रहा, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो श्राप दिया और जय और विजय जो गिड़गिड़ा रहे हैं, हे प्रभु हमें जो है इन्होंने श्राप दे दिया और हमें जन्म लेना होगा और फिर इस तरीके तीन तीन जन्म लेने होंगे। भगवान नारायण बोलते हैं देखो जय और विजय इसमें चिंता मत करो, जो संतों का श्राप होता है वो भी कल्याण में है, आपका जो है कल्याण होगा और चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तो भगवान की इच्छा थी कि मैं वीर रस का आस्वादन करूं और वीर रस के लिए क्या वहां तो युद्ध हो नहीं सकता, वैकुंठ में युद्ध नहीं होता, कोई वहां पर हिंसा नहीं होती, तो यहां पृथ्वी लोक में आना होता वीर रस का आस्वादन करना है। वीर रस के आस्वादन के लिए पृथ्वी लोक में कितना भी बड़ा अहंकार वाला आदमी या कितना बड़ा भी साहसी व्यक्ति या कितना बड़ा भी शक्तिशाली व्यक्ति भगवान से युद्ध नहीं कर सकता, वो धूल के कण से भी छोटा है। तो उसके लिए एक तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए, दूसरा भगवान के जो दर्शन करने योग्य पात्रता रखता हो वह व्यक्ति चाहिए। ये पृथ्वी लोक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान से युद्ध तो बहुत दूर की बात है, जो दर्शन भी कर सके, जो साक्षात दर्शन कौन कर सकता है, जिसका हृदय निर्मल। तो ऐसे वैकुंठ के पार्षद ही हो सकते हैं जो भगवान की लीला में उनको जो है आनंद प्रदान करने के लिए वीर रस के लिए स्वयं जय और विजय कवि हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने और उसके उपरांत रावण और कुंभकर्ण बने और उसके उपरांत दंतवट और शिशुपाल बने। उसके बाद फिर भी इनका उद्धार तो पहले ही उसमें हो गया था, लेकिन भगवान के आनंद को वर्धन करने के लिए पुनः पुनः ये जन्म लेते रहे और यहां तक कि महाप्रभु की लीला में भी ये दोनों आए, क्या बन करके आए, जगाई और मदाई बन करके। तो मैं ये बता रहा था कि भगवान के हृदय में जो आनंद है वही भक्तों के हृदय में आनंद है, भगवान के हृदय में कोई बात आई तो भक्त अपने आप जान लेते। तो भगवान ने कहा कि ये मेरी प्रेरणा से हो रहा है, जय विजय चिंता मत करो, ये सब कुछ मैं जानता हूं और तुम वहां जाने के लिए घबराओ मत, वहां से तुम्हारा उद्धार मुझे ही करना है। तो यहां चौथे में जब जगह मदाई बन के आए तो यहां पर भी उनको अब हिंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन उनको यहां लाया गया था हिंसा करने के लिए, थोड़ा बहुत हिंसा की, पूरा मायापुर पूरा नवदीप और पूरा बंगाल थरथर कांपता था और ये इतना ज्यादा जो है दुस्साहस करते थे, वहां के ये उस समय के इंस्पेक्टर थे, जैसे अभी कोई थानेदार आ जाए और वो भी बिगड़ा हुआ थानेदार तो सब घबरा जाते हैं,
सबसे बड़े गुंडे और मवाली, लेकिन तब भी भगवान ने इनको प्रेम दान प्रदान किया। तो ये महाप्रभु की करुणा है। और महाप्रभु ऐसे हैं, महाप्रभु एक बार एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तभी उस वृक्ष पर एक तोता आके बैठा। वो तोता कोई साधारण नहीं था, वो साक्षात सुखदेव गोस्वामी महाराज। और सुखदेव गोस्वामी महाराज जो वृंदावन में हमेशा आनंद लेते हैं, वो अब नवदेव धाम में आकर के विराजित है और वहां पर बैठ करके क्या बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, बोल रहे गोरा गोरा गौर हरि, बोलो गोरा गोरा गौर हरि, गोरा गोरा गौर हरि, महाप्रभु को हरे कृष्ण कर रहे हैं और तोता गोरा गोरा गौर हरि कर रहे हैं। भगवान का स्मरण जो बन रहा था राधा कृष्ण में है, उन्होंने देखा मेरा नाम कौन पुकार रहा है, वो एकदम आंख खोल करके देखा ऊपर एक तोता, वो उनका नाम ले रहा महाप्रभु का। उन्होंने पेड़ पर चढ़ करके बड़े प्रेम से वो आग बंद करके गोरा गोरा गौर हरि कर रहा है। उसने उड़ने का प्रयास नहीं किया क्योंकि गौर हरि साक्षात ऊपर आ रहे हैं, तो और ज्यादा आनंदित होकर के बैठ करके जोर जोर से गोरा गोरा गौर हरि करने लगा। और महाप्रभु ने उसको अपने हाथों में बिठाया और उसको नीचे लेकर आए और बड़े प्रेम से फैला कर कहा, अरे गोरा गोरा गौर हरि क्यों बोलते हो, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लेकिन वो नहीं बोलता, फिर बोलता है गोरा गोरा गौर हरि, हरे कृष्ण बोलो, नहीं गौर गौर गौर। तब उन्होंने बोला भाई तू नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि करुणा में गौर हरि है, उनका धाम भी बहुत ज्यादा करुणा में। और ये तोता सुखदेव गोस्वामी जो तोता बनकर आए हैं, उनको इस धाम में आकर के जितना आनंद वृंदावन में मिलता है उससे भी कहीं गुना ज्यादा, इसलिए तो और भगवान का जो संबंध है बड़ा ही अंतरंग है, आपस में लिंक है, आपस में एक दूसरे की प्रेरणा उनको जाती है। और भक्त जो है भगवान की जो है बात को समझते हैं। भगवान इतने करुणामय है कि अपने जय और विजय को सीधा सीधा आदेश नहीं दे पाए। वो चाहते तो ये कह सकते थे तुम चलो मुझे वीर रस का आस्वादन करना, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इनको कष्ट होगा, नीचे जाएंगे मुझसे लड़ेंगे भिड़ेंगे, मेरे कष्ट होगा और मैं चाहता हूं मैं युद्ध करूं, लेकिन कैसे हो। और भक्तों के मन में ये बात आई, उन्होंने इस तरीके से श्राप दिया और ये सब जो है आप सब जानते हैं। इस तरीके से भगवान बड़े ही करुणा में है, बड़े ही दयालु है। यदगत वो कहते हैं ना गीता में, यद्गत्वा न निवर्तते तद् धाम परमम्। तो भी जब एक बार वैकुंठ में चला जाता है जीव, फिर यहाँ की बात आ रही है, भगवान की लीला के लिए पार्षद और जितने भी वहां जीव जो मुक्त होकर के जाते हैं, वो भगवान की लीला का वर्धन करने के लिए, भगवान की लीला को आनंद प्रदान करने के लिए पुनः भगवान के साथ आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ हरे कृष्ण। हाँ कौन बोलेगा, कौन पंडित जी? आधा आधा बोलो, तुम भी आधा भी आधा, आ जाओ आ जाओ। हाँ सर ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पितरुचि कृपा सिन्धुवदेव जगदिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्मों को ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर प्रतिपूर्ण भक्तिवेदांत प्रतिपूर्ण प्रणाम करके उनका विद्युत गुरुभवन से करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव मित्री विष्णु पाद अष्टोत्तर प्रतिपूर्ण भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज नेत्रिलाभ्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति की रूप लिखी गणती गोस्वामी महाराज
तो कल हम गुरुजी के मुखार विंद से श्रवण कर रहे थे कि कल सुबह तो हमने विशेष करके जिस प्रकार हम सुबह भागवत जी में चतुर्दश स्कंध श्रवण करते हैं तो कल हमने दसवां स्कंध श्रवण किया था, तो उसी के बारे में गुरुदेव ने कल शाम को बता रहे थे कि किस प्रकार कृष्ण और नंद बाबा यशोमती माँ के सामने जाके बोलते कि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम गया चराने के लिए जाएंगे। तो ये सुन के नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े गदगद हो जाते हैं, बोलते हैं अब नंद बाबा को कृष्ण बोलते हैं आप अभी वृद्ध हो चुके हो, आप अभी घर में बैठ के एकदम से भजन करो, अब हमको ये काम अभी संभालने दो। तो कृष्ण बलराम बोले कि अब हम गया चराने जाएंगे। तो नंद बाबा बोल रहे हैं कि देखो तुम गया क्यों चराने जाओगे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गया हमारे इष्ट है, गो माता का गोधन को पालन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम गोप जाति के व्यक्ति लोग हैं, तो हमको गया हमारा इष्ट है, तो अभी तो हम गया की सेवा करेंगे। तो ये सुन के इनके दोनों के जो विचार को सुन के नंद बाबा बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं देखो तुम अभी गया चलाने मत जाओ, अभी तुम कुछ बछड़े को लेके जाओ, बस बछड़े चलाना और ज्यादा दूर मत जाना, पास रात में बछड़े को लेके खेल कूद करके वहीं से ही वापस आ जाना। तब यहाँ पे बोल रहे हैं किस प्रकार नंद बाबा ने शांतिमुनि ऋषि को बुलाया और उससे जो पंचांग होता है जिस दिन ठाकुर जी गया चराने करेंगे उस तिथि को निर्णय किया गया गोपाष्टम की तिथि, और बोलते हैं कि इस तिथि पे तुमने कृष्ण और बलराम को बोलते नंद बाबा की इस तिथि पे आप तुम गया चराने जाना। फिर इसके आगे जसोदा माँ बोलते हैं कि देखो गया चराने तो वन में जाओगे, वन में बहुत धूप होता है, बहुत सारा कांटे होता है, शायद तुम्हारे पैर में चुभ जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों के लिए दो दो जूते और दो छतरी प्रस्तुत कर दो। तब कृष्ण बोलते हैं देखो हम छतरी और जूते नहीं धारण करेंगे। बोले क्यों नहीं धारण करेंगे, क्योंकि जो गया हुआ है वो हमारा इष्ट है और हम उनके सेवक है। अब अगर आप अगर चाहते हो तो पहले वो जो गया है चार एक एक गया के लिए चार चार जूते और सब गया के लिए एक एक छतरी आप पहले व्यवस्था कर दो। ये सुन के यशोमती माँ बहुत खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए कृष्ण का ये विचार सुन के। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं किस प्रकार की ठाकुर जी वृंदावन में स्वगत रमण की खुले पैर ही जो गोचारण लीला करने के लिए जाते हैं, तो जब खुले पे जो वृंदावन में जब जाते हैं गोचारण करने के लिए तो यहाँ पे बता रहे हैं जब इनके पृथ्वी में जब इनका चरण पड़ता है, विशेष करके पृथ्वी में जब इनका चरण पड़ता है तो पृथ्वी के जो घास है वो सब घास खड़े हो जाते हैं, मानो कि पृथ्वी देवी का जो रोंगटे है वो सब खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे जो पृथ्वी में जो सुंदर सुंदर कलकल नाद से जो झरना बहती है मानो पृथ्वी पूरा आनंदित होके अश्रु बह रही है, तो इस प्रकार का पृथ्वी का शोभा। तो ठाकुर जी आपके हर लीला में ठाकुर जी ने जूता धारण किया, रामलीला में गुरु जी किस प्रकार का पदारे की खड़े को धारण किया था और नारायण खड़े को धारण करते, लेकिन वृंदावन में कृष्ण कभी जूता धारण नहीं किए, छतरी कभी धारण नहीं किए। ये वृंदावन धाम का महिमा है, ब्रज रज का ये महिमा है जिसको सनातन गोस्वामी स्तुति करते हैं, किस प्रकार वृंदावन का जो धाम है वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, जो ब्रजभूमि है। अब इसके आगे बता रहे हैं कि कृष्ण ने जब गोचरण करने के लिए गए सबसे पहले बकासुर का वध किया। अब गुरुदेव बता रहे थे, अगर सिंपली अगर श्रवण करें तो गुरुदेव बता रहे थे कि बकासुर कौन है, ये कपटता का स्वरूप है। कहते हैं कि बकासुर एक टांग पे खड़ा होके ध्यान करता है, मानो कि जैसे ध्यान करता है, लेकिन उसका सबका सब ध्यान कहाँ रहता है, जो तालाब के नीचे जो मछली रहता है उसका ध्यान, जब मछली आ जाता है पूरा ध्यान भंग टप करके मछली लेके चला जाता है। तो इसीलिए वो जो कपट स्वरूप है वो बकासुर को उसको ठाकुर जी ने वध किया। इसका मतलब शिक्षा दे, यहाँ पे दो शिक्षा गुरुदेव बता रहे थे विशेष करके, एक तो बता रहे थे कि जो कपटता है वो कपटता हृदय में रहने पे भगवान कभी भी उसी हृदय में विराजमान नहीं करते, बोलेंगे
और कपटता को पहले ठाकुर जी नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारे सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि सरलता अपरतार, सरलता अपरतार नाम वैष्णव, कि जो वैष्णव का जो नाम है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो क्या है? सरलता। सरलता ही वैष्णवता है। तो इसके लिए जो जितने सरलता है उसके अंदर उतना वैष्णवता है। कपट की कपटी हृदय में कभी भी भगवान विराजमान नहीं करते, कपटी कभी भी वैष्णवता वैष्णव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक तो शिक्षा है और दूसरी शिक्षा गुरुदेव बता रहे थे कि किस प्रकार की जो बकासुर को वध कर दिया, तो बकासुर को पहले, बकासुर ने ठाकुर जी को पहले निगल लिया। अब जब निगल लिया तो वहां पे ठाकुर जी मानो उसके अंदर जैसे पूरा लोहे तप्त लोहे के समान हो गए, तो फिर से वो किया गया उल्टी कर दिया। तो बोलते हैं कि कपटी के हृदय में कभी भी ठाकुर जी विराजमान नहीं कर सकते। जिन ठाकुर जी के जो पूरा का पूरा आनंद, देखो भक्त और अभक्त में ये डिफरेंस होता है। भक्त क्या करते हैं, ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण करते हैं, और योगी मुनि ऋषि तपस्या करते करते बहुत सारा बहुत बहुत तपस्या करके भी उनको ठाकुर जी को उनके हृदय में बिठा नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे भगवती के हृदय में ठाकुर जी स्वयं प्रवेश किए, लेकिन वो अभक्त था इसलिए ठाकुर जी को धारण नहीं कर पाया, ठाकुर जी को वो निकाल दिया। मानो उसको जैसे लगा कि पूरा लोहे का आग जैसे लगा, तो वो तुरंत ही निकल उल्टी कर दिया। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे किस प्रकार कि जैसे ऐसे इस प्रकार जैसे बकासुर का वध के बाद तो सब ब्रजवासी सोचने लगे कि ओ देखो हमारे कृष्ण के पीछे ये असुर गण, ये देव असुर गण पूरा का पूरा हाथ धो के बैठे पड़े, पूरा का पूरा हमारे कृष्ण के ही कुछ ना कुछ अनिष्ट करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक उदाहरण देते हुए गुरुदेव बता रहे थे कि जिस प्रकार एक आग में आग जब जलता है तो वहां पे जो पतंग जो कीड़े रहते हैं वो अपने आप आके आग में भस्म हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे ब्रजगोपी बोल रहे हैं, ब्रजवासी सब बोल रहे हैं कि देखो हमारे कृष्ण तो बड़े सरल है, हमारे कृष्ण किसी का कुछ क्षति करते नहीं, मानो जो जिसका क्षति कर इच्छा करके आता है उसको ही उसी जैसे बोलते हैं ना जिस गड्ढे में जो होता है उसी गड्ढे में वो गिर जाता है, उसी प्रकार जो जिसका क्षति करने के लिए आता है तो वही उसको ही फलीभूत हो जाता है। तो इसीलिए मानो कि वो कृष्ण का अनिष्ट करने के लिए तो आते हैं, लेकिन वो स्वयं यही कृष्ण का अनिष्ट करते कर नहीं पाते और मर जाते हैं। फिर इसके आगे गुरुदेव बताए थे कि किस प्रकार कृष्ण का ये सब लीला को, मधुर मधुर लीला को ब्रजगोपी लोग हर समय चर्चा करते रहते हैं। इति नंदा दयो गोप कृष्ण रामं कथं मुदा कुर्वन्तो राममानश्च नाविन्दन् भववेदनम्। कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि इति नंदा दयो गोप कृष्ण रामं कथं मुदा, कि राम और कृष्ण जो बलराम दाऊ जी और कृष्ण की कथा हर समय ब्रज में बस चर्चा ही रहता है कि आज कृष्ण ने ये किया, आज कृष्ण ने ये किया, आज कृष्ण ने इस प्रकार का लीला किया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार हर समय जो भगवान की कथा में जो रमण करते हैं और उनका क्या होता है, नाम स्तन भव वेदना, भव वेदना अर्थात भू धातु, लट लकर में ये आता है संस्कृत में, अर्थात होना, उसका क्या होता है कि उसको कोई किसी प्रकार का दुख कष्ट अनुभव नहीं होता। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे दुख कष्ट किसको होता है, जो भगवान को नाम को ग्रहण नहीं करता उसको ही दुख कष्ट होता है। और उसको किस प्रकार का भव वेदना का और एक अर्थ बताए थे कि किस प्रकार वो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर सहनम, फिर से मातृगर्भ में आता है, फिर से मृत्यु होता है, फिर से मातृगर्भ में आता है, इस प्रकार 84 लाख जन्म में वो भटकता रहता है। तो इसी प्रकार से दुख किसको होता है, जो भगवान के नाम को ग्रहण नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ब्रजवासी हर समय कृष्ण चिंता में और कृष्ण चर्चा में, कृष्ण के लीला के कथन में पूरा मग्न हुए हैं, तो उनको कैसे दुख आ सकता है। इसलिए नाविंदन भव वेदना, उनको कभी भी भव संसार का साधारण जागतिक दुख उनको मतलब पता नहीं चलता। यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक प्रश्न उठा रहे हैं कि गोपी लोग इससे पहले ही गोपी लोग बोलते हैं कि नंद बाबा आ रहे थे, तो नंद बाबा को कुछ ब्रजवासी लोग बोलते हैं कि नंद बाबा देखो हमारे कृष्ण हमारे ब्रज में पूरा का पूरा विपत्ति आ पड़ी। बोले कैसे कि हम पहले जमाने में कैसे शास्त्र अध्ययन करते थे, गीता भागवत रामायण आदि
सब अध्ययन करते थे, सब ग्रंथ का सम्मान करते थे। तो पहले जमाने में किस प्रकार के ब्रजवासी सोचते हैं कि हम पहले क्या करते थे कि नारायण जी के कथा कीर्तन करते थे। अब जब से कृष्ण ब्रज में आए हैं हम बस नारायण के कथा कीर्तन तो सब भूल ही चुके हैं। हम बस क्या करते हैं, कृष्ण ने आज ये किया, कृष्ण ने इसके घर में मक्खन चुराया, कृष्ण इसके मटकी को फोड़ दिए, इसी इसी सब चर्चा में हम करते हैं। और कृष्ण 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 बलराम की कथा कथा होता है, ब्रज में यही चर्चा होता है। मानो हमारे जो इष्ट नारायण है उनके कथा तो हम भूल ही गए। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये ब्रजवासी क्या अज्ञानी है, क्या इनको पता नहीं है क्या कृष्ण पुनर्रूप में कृष्ण कथा से इनको क्या आनंद प्राप्त होते है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रजवासी कभी भी अज्ञान ये माया मोह से ये परे है, ये ऊपर है, इनके ऊपर ये मोह अज्ञानता इनके अंदर नहीं है, क्योंकि ये भगवान के नित्य परिकर है। और इन ब्रजवासी के चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े ऋषि, ब्रह्मा, शिव जी आदि स्तुति करते हैं और तपस्या भी करते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे किस प्रकार की, एक और उदाहरण देते हुए बता रहे थे कि हमारे सिद्धांत उत्तीर्ण ठाकुर बोलते हैं कि जे दिन गृह भजन देखी गृह थे गोलक भाए, चरण सिंधु देखिए गंगा सुखे न सीमा पाया। कि जिसके घर में अगर ठाकुर जी गुरु जी उपदेश दे रहे थे कि जिसके घर में ठाकुर जी का कीर्तन हो, नाम हो, उसी का घर ही वही वृंदावन धाम है, वही वृंदावन धाम है। तो देखो यहाँ पे गुरुदेव उदाहरण देते हुए बोल रहे थे कि घर में अंतिम समय पे अगर हमारे घर में सब लोग वैष्णव है, तो सब वैष्णव अगर अंतिम समय पे हम जब प्राण छोड़ने जा रहे हैं तब किसको दर्शन करेंगे? हमारे आसपास जो कंठी धारण किए हैं, जो तुलसी धारण किए हैं, जो तिलक धारण किए हैं, वो सबको दर्शन करेंगे। और सबको अगर भगवत नाम हुआ तो वो नाम से जब बुलाएंगे इसको ये दो इसको वो दो, तो वो भगवत नाम धीरे धीरे हमारे अंदर पूरित होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अंत्य जागति अंत्य जागति सागति, कि जिस प्रकार का जमजम भावन कलेवन जो गीता में भी उसी बात को वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार भरत महाराज जी ने हिरण को चिंतन ध्यान करते हुए शरीर छोड़ दिया तो इन्होंने अगले जन्म में हिरण बन गए। तो उसी प्रकार का अगर घर में अगर गुरु जी उपदेश दे रहे थे कि घर में अगर हम भगवान सब लोग वैष्णव बनेंगे, भगवान के नाम कीर्तन करेंगे, तो वही वृंदावन हो जाएगा, वही ब्रजधाम हो जाएगा। फिर इसके आगे इसका आगे बोले सवेरे वैष्णव ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री धर्म स्वामी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद दर्शित श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण स्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद दर्शित श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते समस्त रूपानंद गुरु परंपरा के चरणों में दंड प्रणाम। या उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथाविधि प्रणाम। अभी कृष्ण ने जब ये लीला संपादित कर दी उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार कृष्ण के मन में एक दिन इच्छा हुई कि हम वन भोजन करेंगे, कि सभी ब्रजवासी जब ग्वाले सभी अपने घर से गौचरण के लिए जाएंगे उससे पहले कलेवा लेकर जाते थे। कृष्ण के मन में इच्छा हुई आज जो सब माल हुआ कचौड़ी इत्यादि सब माताओं ने बनाया है उसको हम लेकर वन में जाएंगे और वन में ही भोजन करेंगे। उस दिन कृष्ण ने क्या किया, सुबह सुबह उठकर बड़ी सुंदर मुरली बजाई और इस मुरली की आवाज सुनकर सखा समझ गए कि कृष्ण हमने हमें आह्वान किया है। सभी सखा अपनी गैया बछड़ों को लेकर और वहां गौचरण के लिए उपस्थित हुए हैं। किंतु उस दिन थी बलदेव प्रभु की जन्म नक्षत्र, इसीलिए बलदेव प्रभु उस दिन नहीं गए हैं। यहाँ काफी बार ऐसा हुआ है भागवतम के अंदर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण को जब जब कोई विशेष लीला करनी होती थी तब वे बलदेव प्रभु को साथ में नहीं लेकर जाते थे। उस दिन कोई ऐसा तिथि उपस्थित हो जाती थी जैसे कालिया दमन जब भगवान ने किया तभी बलदेव प्रभु नहीं गए थे। यहाँ पर भी जब अकासुर की वध की लीला होती तब बलदेव प्रभु नहीं गए थे क्योंकि वे बलदेव प्रभु भगवान हैं।
कृष्ण यदि कोई लीला करेंगे तो ये समझ जाएंगे, इसलिए कुछ कारण को लेकर कृष्ण ने बलदेव प्रभु को उस दिन नहीं लेकर गए। कृष्ण अभी अपना वेत्र श्रृंग वेणु इत्यादि को लेकर और सहस्त्राधिक अच्युत गो लेकर, यहाँ पर हम लोग कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार ये कितनी बड़ी गणना है, कोटि कोटि और गवों को लेकर कृष्ण वहां पर जा रहे हैं। यहाँ विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर प्रश्न करते हैं कि ब्रज 84 कोस है और गैया कितनी बताए, कुछ 125 करोड़ ऐसा कुछ, बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन थी, तो इतनी सारी गैया इस 84 कोस ब्रज के अंदर कैसे आ गई? यहाँ विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर प्रश्न उठाते हैं, ये विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर की ही विशेषता है, क्या स्वयं ही पहले प्रश्न उठाते हैं फिर उसका उत्तर देते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि ब्रज कैसा है, ब्रज अपनी ब्रज आवश्यकता कृष्ण लीला की आवश्यकता के अनुकूल अपने आप को विस्तारित कर देता है और फिर बाद में संकुचित कर देता है। जैसे रासलीला के समय पे ही हमने श्रवण, रासलीला में भी वर्णन आता है कि कहीं कहीं पर कहते हैं शतकोटि गोपी थी, 100 करोड़ गोपी थी, कहीं कहीं पर 300 करोड़ गोपियां, तो छोटे से रासमंडल के अंदर 100 करोड़ गोपियां कैसे आ गई, वहां पर भी बता रहे हैं कि योग माया ने इस प्रकार धाम को विस्तृत कर दिया कि सारी गोपियां वहां उपस्थित हो पाई। इसी प्रकार यहां पर भी ये गौएं को लेकर कृष्ण वन की ओर जा रहे हैं, सारे सखा लोग आगे आगे चल रहे हैं और कृष्ण पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि यह बता रहे हैं जिस प्रकार अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था, क्या सब सारे चंद्र, कितने कितने चंद्र सूर्य इत्यादि सब कृष्ण के अंदर विद्यमान थे, मैया को जब छोटे से मुख के अंदर विराट रूप दिखाया, कितने पर्वत कितने कितने नक्षत्र इत्यादि सब कृष्ण के उस छोटे से मुख के अंदर, तो जिस प्रकार कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है उसी प्रकार धाम उनसे अभिन्न है, धाम अभिन्न होने के कारण अपनी इस विस्तृत और संकुचित होता रहता है। उसके बाद यहां बता रहे हैं कि कृष्ण जब जा रहे थे तो वन में पहुंचने के बाद में कृष्ण ने क्या किया, सखाओं के साथ में खेलना चालू कर दिया, और साधारण बच्चे जब खेलते हैं तो खेल में कितना आनंद होता है, खेल में आनंदित होकर सब बातें भूल जाते हैं, यहां आनंद कंद कृष्ण स्वयं खेल रहे हैं सखाओं के साथ में, पूरे आनंद में निमज्जित होकर कृष्ण जो घर से भोजन लेकर आए थे, जो वन भोजन करने की इच्छा से आए थे वो भी कृष्ण यहाँ पर भूल गए। तो अभी योग माया ने सोचा कि अभी प्रभु का भोजन का समय हो गया है और कृष्ण यहाँ खेल में इतने आनंदित हो गए हैं, इस आनंद को थोड़ा काटना पड़ेगा, थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, इस रस को भंग करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से योग माया ने कंस को प्रेरणा दी और कंस ने वहां पर अगासुर को भेज दिया। यहाँ अगासुर के रूप का वर्णन करते हुए विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं कि इतना विराट उसका रूप था, उसने अपना मुख जब खोल रखा था एक तो नीचे की तरफ और दूसरा जो मुख खोल रखा था आकाश को स्पर्श कर रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल उसकी आंखें थी, उसकी जब निश्वास छोड़ रहा था नाक से बहुत ही गर्म गर्म श्वास की हवा आ रही थी, उससे मुख से बड़ी दुर्गंध आ रही थी। अभी वहां पर जो सखा थे छोटे छोटे सखा देखकर बोल रहे, बोले इतना विशाल सर्प हमने तो इतना विशाल सर्प कभी नहीं देखा। वहां बड़े सखा बोलते हैं कि ये कोई सर्प नहीं है, मानो ऐसे लगता है विश्वकर्मा ने कोई विशेष सृष्टि करी है, कोई चित्रकारी, देखो इसके शरीर पर कितनी चित्रकारी है, आओ हम अंदर चलकर देखते हैं गुफा के अंदर, हो सकता है इस गुफा के अंदर कोई संत भजन कर रहे हो। अभी सखा भी जब धीरे धीरे करके अगासुर के मुख में प्रवेश करने लगे, कृष्ण तब थे पीछे, तो कृष्ण पीछे से चिल्लाने लगे, कृष्ण पीछे से बोल रहे हैं कि बोले सखा प्रवेश मत करो, किंतु उस समय तक क्या हुआ जब सब सखा प्रवेश कर चुके थे। अभी कृष्ण यहाँ बाहर खड़े होकर चिंता कर रहे हैं कि मुझे दो काम करने पड़ेंगे, क्या अगासुर को मारना भी पड़ेगा और सखाओं की रक्षा भी करनी पड़ेगी। तो कृष्ण ने भी वहां पर क्या किया, अगासुर के मुख में प्रवेश कर लिया। जैसे ही कृष्ण ने अगासुर के मुख में प्रवेश किया, सारे देवता लोग जो आकाश से देख रहे थे वे बड़े भयभीत हो गए और सारे कंस के चर भी वहां उपस्थित थे, तो कंस के चर देखकर बड़े आनंदित हो रहे थे। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं कि देवता तो सब जानते हैं कि कृष्ण साक्षात भगवान है, वे कौन है, सर्व कारण कारण है, तो वो अगर अगासुर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं तो देवता क्यों भयभीत हो गए। यहाँ बता रहे हैं कि जिसके साथ प्रेम होता है अगर उसके ऊपर थोड़ा भी कष्ट हो तो उससे हमें पीड़ा होती है, उसी प्रकार देवताओं का कृष्ण के प्रति बड़ा स्नेह है, वे उनके प्रभु हैं, तो इसीलिए यह देखकर देवता भयभीत हो गए। किंतु कंस के अनुचर केवल मात्र ये देखा था कि कृष्ण ने अगासुर के मुख में प्रवेश किया, उन्होंने जाकर कंस को क्या कहा, बोले प्रभु आज तो आपका काम हो गया, आज आपका शत्रु मर जाएगा। अभी कृष्ण ने क्या किया, अगासुर सोच रहा था जैसे कृष्ण प्रवेश करेंगे मुख बंद करके और मैं खा जाऊंगा, निगल जाऊंगा, लेकिन कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया,
कृष्ण ने इतना विराट रूप धारण किया उसके मुख में पूरा भर गए भगवान, और उस वह मुख कैसे बंद करेगा, कृष्ण का विराट रूप लेने के कारण का मुख बंद ही नहीं कर पाया, उसकी आंखें पूरे रसगुल्ले की तरह बाहर आ गई, उसका ब्रह्म तालु फट गई और वहां से एक ज्योति निकल गई, ज्योति निकल के आकाश में भ्रमण करने लग गई। कृष्ण ने थोड़ा अंदर प्रवेश करके जब देखा सारे सखा वहां मर चुके थे, कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से सबको जीवन दान दिया, और उसके बाद जैसे ही सब बाहर आ रहे थे वह ज्योति जो आकाश में घूम रही थी वह ज्योति जाकर कृष्ण के चरण कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गई। यह देखकर सारे देवता आनंदित हो गए, सभी ने पुष्प वृष्टि करी। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब इससे पहले असुर आए थे, जब कृष्ण 6 दिन के थे तब पूतना आई, 3 मास के थे तब शकट असुर आया, तृणावत इत्यादि आए, उस समय पर कृष्ण ने का जैसा बाल स्वरूप था उस बाल स्वरूप में ही भगवान ने उनको मार दिया, किंतु यहाँ पर उनको विराट रूप धारण करने की क्या जरूरत थी, यहाँ पर उन्होंने क्यों विराट रूप धारण किया, यहाँ स्वयं उन्होंने प्रश्न उठाया। बाद में उत्तर देते हुए कहते हैं कि सारे असुर इससे पहले जो आए थे वो आए थे नंद भवन में, मैया यशोदा है, नंद बाबा है, सारे ब्रजवासी हैं, तो इन ब्रजवासियों के सामने कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं करना चाहते, अपना विराट रूप यदि दिखाते तो ऐश्वर्य प्रकाशित होता, ऐश्वर्य प्रकाशित होने के कारण उनका माधुर्य कम हो जाता, इसलिए कृष्ण ने उसी बाल स्वरूप में ही सारे दैत्यों को मार दिया। किंतु यहाँ पर कृष्ण कहाँ है, अगासुर के मुख के अंदर है, अगासुर के मुख के अंदर होने के कारण अंदर भैया क्या हो रहा है, किसने क्या देखा, कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया और उसको मार दिया। ये ज्योति जो आकाश में घूम रही थी वह कृष्ण के श्रीअंग में जाकर जब प्रवेश करी, यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगासुर को गति कौन सी मिली अगासुर को, तो यहाँ कह रहे हैं कि अगासुर को सारूप्य मुक्ति मिली, इसलिए 5 तरह की मुक्ति बताई गई है ना, सारूप्य, सालोक्य, शास्त्री, सामिप्य और सायुज्य। तो यहाँ बता रहे हैं कि 4 जो मुक्ति है कौन कौन सी, सालोक्य, सामिप्य, शास्त्री और सारूप्य। कभी कभी भक्तों को ये 4 मुक्ति में से कोई एक तो मिलती है, भक्त लोग ये ग्रहण कर लेते हैं, किंतु सायुज्य मुक्ति जो है, सायुज्य अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, ये भक्त लोग कभी ग्रहण नहीं करते, ये भक्तों को कभी ऐसी गति नहीं होती। ये जो मायावादी लोग होते हैं जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, उनकी ये गति होती है, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर अगासुर को सारूप्य मुक्ति मिली, सारूप्य अर्थात जिस प्रकार चतुर्भुज रूप होता है विष्णु का, उस प्रकार की गति अगासुर को मिली है, क्योंकि स्वयं भगवान ने उनके हृदय उनके मुख में प्रवेश किया, स्वयं सखा उनके मुख में प्रवेश किया, जिनके चरण उनकी जिह्वा पर पड़े हैं, तो उनको सारूप्य मुक्ति मिलना क्या ठीक है, तो उनको यही सारूप्य मुक्ति मिली। इसके बाद में किस प्रकार ब्रह्मा जी ने वह ज्योति को दर्शन किया, इसके आगे क्या हुआ, ये हम गुरुदेव के श्रीमुखारविंद से श्रवण करें। गौरचंद्राय राधिकायस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाधिक प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण तद्भुतस्तोत्र सुबाद्य गीत्या जयादि नैकोत्सव मंगलम सुनान श्रुत्वा सुधाम्ने अंत्यज आगतो चिरात दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मय। जिस समय कृष्ण ये अगासुर को वध करते हैं, वध करते समय
वहां पर जितने सारे देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे थे, अप्सरा लोग नृत्य कर रहे थे, गंधर्व लोग गीत गा रहे थे, सबको वाद्य वाद्य बता रहे बजा रहे थे, भगवान को स्तुति कर रहे थे और जय ध्वनि को द्वारा भगवान की पूजा कर रहे थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी उन्होंने स्तोत्र वाद्य और जय ध्वनि उसको सुन करके हैं, इतने में ब्रह्मा जी अपना सत्यलोक में थे। जब सत्यलोक थे इतने में जैसे भूर भूव मोह जन तप और सत्यलोक, सत्यलोक में पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं। अभी जब सबके सब लोग सब पुष्प वृष्टि कर रहे थे, भगवान की जय जयकार कर रहे थे, गीत वादित कर रहे थे, इतने में उसको देख करके सुन करके श्री ब्रह्मा जी उतर करके आए। बोले क्या बात है, ये सबके सब नाच गान गीत वाद्य क्यों कर रहे हैं। इतने में जब ब्रह्मा जी नीचे उतर करके आए, उन्होंने देखा ये जो अघासुर का जो ज्योति कहती भगवान की, ये सारूप्य मुक्ति प्राप्त करे, सारूप्य मतलब भगवान की जैसे स्वरूप, वैकुंठ में सबके सब चतुर्भुजधारी है, सब धारण करते कर धीरे 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 कहाँ जा रहे हैं, भगवान का धाम को जा रहे हैं। इसको देख करके ब्रह्मा जी को तो बड़ा आश्चर्य लगा है, आश्चर्य लगा। और उन्होंने तब ब्रह्मा जी कहाँ आए थे ये समझना पड़ेगा, ब्रह्मा जी नीचे उतर करके वृंदावन धाम में, ब्रह्मा जी वृंदावन धाम में आए थे, जो बड़ा आश्चर्य लगा। कहते और दूसरा आश्चर्य क्या है, कहते दूसरा आश्चर्य कृष्ण ने जब उन्होंने अघासुर को वध किया, कृष्ण का जब उम्र 5 साल था उसी समय में उन्होंने वध किया, लेकिन जब उन्होंने ब्रज में आए, उनको जब 6 साल में जब ब्रज में आए, आकर के सखा लोगों ने कहा जानते हो मैया मैया आज कन्या तो बहुत बड़े के सांप को मार डाले हैं, बहुत बड़े के सांप मार डाले। 1 साल बाद में उन्होंने बताए, लेकिन ये लीला कब हो चुकी थी, 1 साल पहले 5 साल में, लेकिन ये 6 साल में बताए। तो ये भी बड़ा एक दूसरा आश्चर्य है, दो आश्चर्य है। कहते उनको जो कौन सा मुक्ति, उनका सार्प मुक्ति मिली, किसी किसको आश्चर्य लग सकता है, हैं क्या आश्चर्य लग सकता है। कहते ये तो राक्षस था अघासुर, ये तो कृष्ण को तो मारने के लिए आया था, फिर उनको इतने बड़ी गति कैसे मिली। ये सारूप मुक्ति मतलब सबके सब चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ जाते हैं, कौन जाते हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, बड़े बड़े भजन करने वाले लोग, कठोर साधन भजन करके तभी ये गति को प्राप्त करती, गति कोई साधारण नहीं। कहते एक तो जो मुक्ति जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में अपना ज्योति को मिला देना चाहते हैं, वो भी साधारण नहीं, वो भी बड़ा कठिन कठिन कठोर साधन है। कहते पहले सम और दम, पहले ये अंतर इंद्रिय और बहिर इंद्रियों को पहले तो उनको दमन करना पड़ता है, हैं दमन करके फिर अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि मसि ये सब मंत्र को जप करते 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 जब संपूर्ण रूप में माया से निर्मुक्त हो जाते हैं, तब भी कहीं जा करके उनको मुक्ति मिलती है। ये मुक्ति भी कोई साधारण वस्तु नहीं, एक तो साधु जो मुक्ति कठिन और भगवान की वैकुंठ साधु जो मुक्ति लोग कहाँ जाते, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। ये ब्रह्म ज्योति कहाँ पर, ब्रह्म ज्योति विरजा के ऊपर, लेकिन उसको ऊपर में वैकुंठ लोग है, वैकुंठ जाना कोई साधारण बात नहीं, चतुर्भुज रूप धारण करते हुए। कहते तो बड़ो आश्चर्य वस्तु है जे उनको वैकुंठ प्राप्ति हुई, जिन निखिल अंसर असर। कहते कहते यहाँ पर इसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बोले क्यों, बोले ये कृष्णा कौन है, बोले एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है, और जितने मत्स्य कुरुमन नरसिंह ये सब कौन है, कृष्ण के अंश का अंश ये सब के सब, लेकिन कृष्ण कौन है, ये पूर्ण ब्रह्म है। तब यहाँ उदाहरण देते हैं, इसलिए अघासुर को जो ये प्राप्त हुई कोई आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। क्यों, जो पुतना पुतना क्या करने के लिए आई थी, कृष्ण को मारने के लिए ना, स्तन में जहर लेकर के आई थी ना, और बच्चों को खून पीने वाली थी, अपवित्र थी, इतने पापी ऐसी थी पुतना, लेकिन केवल कृष्ण उनका स्तन में थोड़ा मुंह लगा दिए तो उनको कौन सा गति हुई, उनको उनको प्राप्ति हो गई गोलोक वृंदावन में, उनको धाई चित्त गति प्राप्त हो गई पुतना को,
और जब वो शरीर को जला रहे थे क्या निकल रही थी, बड़े सुंदर खुशबू निकल रही थी, महक निकल रही थी। ऐसे लग रहा था कोई इंद्र लोग से चंद्र लोग कहीं से कहीं तो कोई खुशबू नहीं आ रही है, इतने गति ठाकुर ने दिया है। इसलिए फिर बाद में क्या हुआ, जब उसका शरीर सड़ गया ना, शरीर जब उसकी सड़ गई, सड़ जाने के बाद वो सुंदर गुफा हो गया, उसमें सुंदर सुंदर हड्डी की ढांचा रह गई। कृष्ण क्या करते थे, अपना सखाओं को लेकर उसके अंदर में कृष्णा क्रीड़ा करते थे, लुको छुपी करते ना, बच्चे लोग खेलते हैं और लुको छुपी, कृष्ण का चरण प्राप्त हो रहा है, कृष्ण के कृष्ण भक्त उनका चरण प्राप्त हो रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो कृष्ण की इतने दुर्लभ था कृष्ण की, जैसे कृष्ण भी लीला करके वृंदावन से चले गए, कहीं कृष्ण लीला करके चले गए, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर ठाकुर भी लीला कर रहे हैं, कितने लोग जैसे नंदगांव कितने लोग जा रहे हैं, बरसरा कितने लोग जा रहे हैं, गोवर्धन कितने लोग, कृष्ण केवल उन्होंने जो चरण धूल को जहाँ पर छोड़कर चले गए, कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं विश्वनाथ से जहाँ चरण का धूल छोड़कर गए, जैसे गोवर्धन जाते हैं कृष्ण लीला भूमि जाते हैं, ब्रजवास क्या सेवा को निधुवन जाकर लौट को दिखाते, बोले क्यों, कृष्ण यहाँ पर लीला की थी, कृष्ण का चरण धूल अभी भी पड़ी हुई, श्री कृष्ण कब गए 5,500 साल हो गया, अभी वो जहाँ पर लीला करते, और जिस वृक्ष को नीचे बंसी बटे को नीचे कृष्ण रास लीला किया, अभी जाकर हम बैठते कि नहीं, अरे वही वृक्ष है इमलितला, वही इमलितला जिसके नीचे महाप्रभु बैठ कर हरिनाम करते थे, कृष्ण जहाँ पर राधा रानी के चिंतन करते करते अपना अंग कांति को लुप्त करके राधा जी की अंग कांति धारण, यही वृक्ष कितना करोड़ लोग जाकर प्रणाम करते हैं, कितने करोड़ लोग जाकर वहाँ प्रणाम करते हैं, जब उनकी जिस वृक्ष को नीचे लीला की जहाँ पर अगर उसकी इतने महिमा हो सकता है, फिर साक्षात कृष्ण विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं अघासुर ने क्या किया, अघासुर ने कृष्ण को बलपूर्वक अपना मुंह में लिया था बलपूर्वक, लेकिन अघासुर लेकिन वास्तव रूप में क्या है, कृष्ण स्वयं जान कर गए और बलपूर्वक उन्हें तो कोशिश किया कृष्ण आ जाए पर मुंह बंद करूंगा, लेकिन क्या वास्तव्य था, वास्तव्य था कृष्ण स्वयं जिसकी मुंह का अंदर में स्वाभाविक रूप में प्रवेश किया, कृष्ण जिसकी मुंह में को अंदर में स्वाभाविक रूप में प्रवेश करेंगे, ये कोई साधारण व्यक्ति विश्वनाथ की कोई साधारण बात है, ये कोई साधारण बात नहीं। और कहते ये सब चीज कहते कृष्ण के लिए कोई साधारण नहीं, क्योंकि जो कृष्ण है ना ये हतारी गतिदायक, दूसरे अवतार भी हतारी गतिदायक, उनका हाथ में जो मरते हैं उनको गति मिली, लेकिन कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम है, कहते पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्णा। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसके लिए कोई आश्चर्य बात नहीं, उनको कृष्ण जिसके मुंह में गए, उनको जो सारूप मुक्त हुई, रूप भगवान जैसे रूप धारण करते हुए वैकुंठ में गए, इसलिए कोई आश्चर्य की कोई बात इसमें नहीं है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। तो यहाँ पर विश्वनाथ चकु ठाकुर बहुत कुछ प्रश्न बहुत कुछ उत्तर दे रहे हैं, देखो यहाँ कितना प्रश्न कर रहे हैं, चार विग्रह बलपूर्वक यहाँ पर कह रहे हैं भक्त्या माम एकयाग्राज्य, भगवान क्या कहते हैं भक्ति को द्वारा ही मेरे को कहीं प्राप्त कर सकते हैं, अगर जब तक इसका हृदय में भक्ति नहीं होगा ना वो कहीं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर इसी नियम का अनुरूप अगर बोलेंगे भैया अघासुर का अंदर में कौन सा भक्ति था, कोई भक्ति था, भगवान खुद कहते भक्ति को द्वारा ही मुझे प्राप्त करेंगे उनको प्राप्ति। फिर जो खट्वांग महाराज को जो भक्ति हुई थी, खट्वांग महाराज का नाम जानते कि नहीं, सुना कि नहीं, क्या हुआ था उन्होंने एक मुहूर्त में है, जब उन्हें देवता दैत्य में लड़ाई हुई, उन्होंने देवता को पक्ष लिया, लेकर के दैत्यों को साथ में लड़ाई करते हुए दैत्यों को परास्त कर दिया, अभी 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो गए, बोले आपकी कृपा से ही हमने दैत्यों को परास्त किया, आप मांगो क्या चाहते हो। तो खट्वांग महाराज ने बोले आपसे वरदान लेकर के तो संसार का विषय को भोग करूंगा, पहले देखो मैं कितने समय जिंदा रहूंगा। तो उनको जगा, उनको परमायु को देखा, बोले एक मुहूर्त वो 48 मिनट ही, बोले एक काम करोगे आपसे वरदान लेकर संसार विषय तो भोग करूंगा तो मेरे को था परमायु पड़ा तभी तो विषय भोग करूंगा ना, तो वरदान किसे ले लूंगा है, कुछ पर ये काम नहीं कर सकते, बोले नहीं तो संसार से मुक्ति करा दो, बोले ये नहीं कर सकते, बोले फिर क्या कर सकते हो, मुक्ति भी नहीं कर सकते हो और संसार से उद्धार भी नहीं कर सकते, पर फिर क्या कर, बोले इसको कौन कर सकता है,
केवल कृष्ण ही, और कोई ये काम परमात्मा बढ़ा भी नहीं सकता, मुक्ति भी कोई नहीं दे सकता। बोले बेकार, इतने देवा देवी को खुश करके क्या लाभ है, बेकार है, हैं? बोले एक काम करो, हमको एक द्रुतगामी विमान दो, जिस द्रुतगामी विमान से मैं जल्दी से जल्दी मरते जगत में जाऊं, और जितने समय मेरे पास में है उतना समय प्रभु के चरण में लगा करके संसार से उद्धार हो जाऊं। तो उन्हें एक द्रुतगामी विमान मरते लोग में आए। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि जो भजन है ना, ये स्वर्गलोक में भजन नहीं होगा। उनको स्वर्गलोक में भजन नहीं, वो कहाँ, हम कहें सब कहते स्वर्ग चलो स्वर्ग चलो, भैया स्वर्गलोक में मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने क्या बोले, बोले मरते जगत भारत भूमि में जाऊँ, जल्दी जल्दी भारत भूमि में जाऊँ, और वहीं पर भगवान की भजन करके हमारी उद्धार हो जाए। इसलिए उन्होंने इसी मरते जगत में उन्होंने आकर के एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति किया। तो यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं, ये खट्वांग महाराज जी उन्होंने एक मुहूर्त में अपना चित्त को संसार से हटा करके भगवान के चरण में लगाए, तभी तभी उनको मुक्ति हुई ना, तभी तो उनको मुक्ति हुई। लेकिन इसके अंदर में तो कुछ भी नहीं था, इसके अंदर में भक्ति भी नहीं, कुछ भी नहीं इसके अंदर में, फिर इनको इतने बड़ी गति कैसे दे दी। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कहते देखो यहाँ पर भगवान की जो जो कृष्ण अवतार है, ये पूर्ण अवतार है, भगवान की कृपा शक्ति है, और भगवान के साथ में जो कृष्ण है, इनको साथ में कोई भी थोड़ी संबंध हो जाए ना कृष्ण को साथ में, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म है, बात उसको उधार हो जाएगा। उदाहरण दिया बोले काम हम क्रोध हम भयम, वहां पर सप्तम स्कंद में हम सुनेंगे, ये गोपियों ने काम को द्वारा भगवान को प्राप्त किया, कृष्ण को अपना पति मान लिया, उससे ही उनको भगवत प्राप्ति। बोले क्रोध को द्वारा है, कहते ये जो कल शिशुपाल उन्होंने क्या किया, उन्हें भगवान का नाम सुनते ही उनका क्रोध आता था, गाली देने लगता था, 101 गाली ठाकुर को निकाला, लेकिन उससे भी भगवत प्राप्ति हुई। काम क्रोध लोभ भय के द्वारा है, भाई कंस भय से भगवत प्राप्त कर लिया, काम क्रोध भय है, कहते स्नेह के द्वारा हमारे पांडव लोग प्राप्त किया। कहते अगर कृष्ण को साथ में कोई भी थोड़ी सी संबंध जोड़ दो ना, बस बेड़ा पार है। इसलिए इस पे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए है, इसलिए वैकुंठ प्राप्त कर। यहाँ पर कह रहे हैं उसको कौन सा स्थान मिला, कहते उसको वैकुंठ मिला, लेकिन वृंदावन नहीं मिला, वृंदावन नहीं मिला। कहते क्यों, तो विश्वनाथ से कटकर बोले क्यों उसको वृंदावन क्यों नहीं मिला। बोले कारण है, वृंदावन जाने के लिए कोई विशेष भक्ति चाहिए, वृंदावन जाने के लिए कोई विशेष भक्ति चाहिए, वृंदावन ऐसे कोई नहीं जा सकते हैं। लेकिन पुतना को वृंदावन मिली, क्योंकि पहले जन्म में वो रत्नमाला थी, और कृष्ण को उन्होंने गोद में लिया, और एक क्षण के लिए उन्होंने मातृभाव से कृष्ण को दर्शन किया था, और कृष्ण को गोद में लेकर स्नान पान कराया, इसलिए उसको कहाँ मिली, गति मिली उसको वृंदावन में, लेकिन इनको नहीं मिला है। अभी श्रवण इसको सुन करके ना परीक्षित महाराज ये सब कृष्ण की महिमा को सुन सुन करके इतने खुश हो रहे थे, इतने प्रसन्न हो रहे थे, श्री सुखदेव परीक्षित महाराज इतने खुश हो रहे थे, कृष्ण की इतने महिमा, कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने दयालु। फिर उन्होंने जो पहले जो प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था, 5 साल उम्र में उन्होंने वध किया किसको, अघासुर को, लेकिन 6 साल उम्र में बताया। बोले ऐसे क्यों, 5 साल में तुम्हारे 6 साल, जब उन्होंने ये सब चीज को चिंता किया ना परीक्षित सुखदेव गोस्वामी, जब उन्होंने चिंता किया, हाँ परीक्षित महाराज सुखदेव चिंता करते करते तो बेहोश जैसे हो, एकदम ध्यान में ऐसे डूब गए, ऐसे ध्यान में डूब गए कृष्ण की महिमा को स्मरण करते करते, कृष्ण इतने दयालु इतने कृपालु कृष्ण, इतने में जब देखा ये पूरा पूरा तो सेंसलेस नहीं हो गए, जो हो गए इतने में वहाँ पर जो नारद आदि जो ऋषि व्यास आदि नारद आदि जितने ऋषि मुनि थे सबके सब जोर जोर से कीर्तन करना शुरू कर दिया। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोल Thank you.
क्या सुनाए फिर हम कल सुनेंगे हमने क्या हमको सुना है ठीक है लवांछा पवित्र पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।